परमात्मा का यह संग सत का संग उन महान भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है जिनमें सतयुगी दिव्यता है। और द्वापर और कलयुग के कई जन्मों का तप है। सच्ची दिल से किया हुआ तप मैं वह महान भाग्यशाली आत्मा हूं। यह मैं बहुत गहराई से मेरी अंतरात्मा में महसूस करती हूँ। आत्मा के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे सारे भंडार खुले हैं, ज्ञान के भंडार, गुणों के भंडार, शक्तियों के भंडार, जितना जो चाहिए ले लो, यह सर्व खजाने तुम्हारे हैं। ऐसा चित्र निर्माण करें कि परमात्मा मुझे उनके इन तीनों भंडार दिखा रहे हैं। यह कितने बड़े भंडार हैं जिसका अंत मुझे दिखाई ही नहीं देता है। यह इतनी बड़ी वास्तु मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। बेहद की वास्तु है ज्ञान भंडार, गुण भंडार, शक्ति का भंडार। यह इतनी बड़ी वास्तुएं हैं,
मैं इन्हें अपने आंखों में भी समा नहीं सकती। आसमान से भी ऊंच, सागर से भी गहरे, सारे पृथ्वी पर भी अगर यह वास्तु फैले तो भी वह पृथ्वी छोटी लगे, इतनी बड़ी यह वास्तुएं हैं। ज्ञान गुण शक्ति के भंडार की वास्तु, और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे यह तुम्हारा है। मैं ज्ञान भंडार के वास्तु में प्रवेश करती हूँ, धीरे धीरे संकोचते हुए, क्योंकि मुझे आज तक सब कुछ हद की बातें देखने का ही संस्कार है। यह मैं बेहद का भंडार देख रही हूं। बाबा के इशारे पर मैं प्रवेश करती हूं। कि मैं इस भंडार की मालिक हूं। क्या खजाने भरे हैं, इसमें मैं देखती हूं मैं अनुभव करती हूं मुझे एहसास होता है इस ज्ञान भंडार के वास्तु में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, भगवान के बच्चों के खजाने में। मैं और थोड़ी अंदर अपने कदम बढ़ाती हूँ। और मुझे बहुत स्पष्ट महसूस होता है अगला ज्ञान मणि कि सतयुगी दिव्य आत्मा
तुम हो। तुम्हारा निजी गुण, अहिंसा, परमो धर्म, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इच्छा मात्रम अविद्या हो। तुम्हारी पवित्रता के कारण तुम संगम युग पर भगवान के मददगार बनने कारण ज्ञान योग धारणा सेवा के निरंतर तप के कारण तुम आत्माओं की इच्छा उत्पन्न होने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। मुझे इस ज्ञान भंडार वास्तु में बहुत बेहद आनंद आ रहा है। मैं सोचती हूं कि मैं दूसरे वास्तु में जाकर देखूं जो गुणों के भंडार की वास्तु है। मुझे बहुत उत्सुकता है कि इस भंडार में क्या होगा। इसके द्वार पर ही लिखा है, हे आत्मन बच्चे, पवित्रता, सुख, शांति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह गुण अधिकार के रूप में तुम मालिकों को जन्मते ही प्राप्त है। पवित्रता, सुख, शांति। मुझे गहराई से अनुभव होता है कि सचमुच यह गुण मेरे नेचुरल गुण है।
मेरे निजी गुण बन गए हैं। जिसके लिए मैं इतनी प्रार्थना कर रही थी, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, एक बूंद की शांति का अनुभव चाहिए, मुझे फिर से पावन बनना है, हे पतित पावन कहाँ हो, इतनी मैं प्रार्थना कर रही थी, पुकार रही थी। बाबा का बनते ही मेरे उस प्रार्थना का, उस तप का मुझे फल मिला, मुझे जन्म सिद्ध अधिकार मिला, मुझे अनुभव होता है, मेरे अधिकार का। मैं अंदर प्रवेश करते ही सभी गुण जैसे कि माला लेकर खड़े हैं मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए, और कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे मालिक, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या दृश्य मैंने देखा, कितना अनोखा दृश्य। जिस गुण को मैं याद करूं, वह गुण मेरे सामने आ जाए माला लेकर, धैर्यता, सहनशीलता। जैसे जैसे वह मेरे सामने आते हैं, सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर प्रवेश करते हुए मुझे अनुभव होता है। हिम्मत का गुण, अंतर्मुखता का गुण, हर्षित मुखता का गुण, दिव्यता का गुण, एक एक गुण आकर के बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मुझ में समा जाते हैं। फिर मैं देखती हूं संतुष्टता, एक मुकुट के रूप में मेरे सिर पर सुशोभित होती है। संतुष्टता जैसे सर्व गुणों का शिरोमणि है,
मैं धीरे धीरे उस पूर्ण भंडार के वास्तु से संपूर्ण रीति से संतुष्ट होकर बाहर की ओर मेरे कदम बढ़ाती हूं। बड़ी उत्सुकता से तीसरे शक्ति भंडार के वास्तु में प्रवेश करती हूं। कितनी बेहद की वास्तु है, कितनी सुंदर अलौकिकता है इस वास्तु में। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और एक एक शक्ति कोई देवी के रूप में, कोई देवता के रूप में मुझे वरदान दे रही है। मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फल स्वरूप आज मैं यह अनुभव कर रही हूं। कितना अनोखा अनुभव है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति मार्ग में मैं इनमें से कई देवी और देवताओं के आगे बैठकर पोथी पुराण पढ़ती थी। जप तप करती थी, उपवास करती थी। आज वही देवियां देवताएं मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। चैतन्य रूप में कितने खुश हो रहे हैं मुझे देखकर। मैं भी इतनी प्रसन्न हो रही हूं। उनके वरदान मुझ आत्मा में प्रविष्ट हो रहे हैं और मैं शक्ति संपन्न अनुभव कर रही हूं। असंख्य देवी देवताएं शक्ति के रूप में मुझे वरदान दे रहे हैं। मैं भरपूर होकर, अति प्रसन्न होकर, अति संतुष्ट होकर बाहर की ओर मुझे महसूस होता है कि बाबा मुझे मुस्कुराकर देख रहे हैं। बहुत अभिमान है बाबा का
मेरे ऊपर। बाबा कह रहे हैं, तुम मेरे आशाओं के दीपक बच्चे हो, तुम संतुष्ट मणि आत्मा हो, तुम दानी वरदानी आत्मा हो, बाबा मुझ आत्मा के अंदर का सोया हुआ स्वमान जागृत कर रहे हैं। मैं आत्मा अभी महसूस करती हूं, कि पता नहीं मैं कितना समय से सोई थी, जैसे मृत अवस्था में थी। अभी मुझ में जीवन आया है, जागृतता आई है। मृत से निकल स्मृति आई है। बाबा के संग से, बाबा के ज्ञान गुण शक्ति के भंडारों से और मैं अपने किए हुए श्रेष्ठ कर्मों को, जिसके फल स्वरूप मुझे बाबा और उनके दिव्य भंडार प्राप्त हुए, मुझे अपनी पहचान मिली, उन श्रेष्ठ कर्मों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज तक मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे जीवन में जो कमियां हैं, उनको ही मैं कोसती रही, उलझने देती रही, परंतु आज मेरा ध्यान उन श्रेष्ठ कर्मों की तरफ जा रहा है, जिन कर्मों के फल स्वरूप मुझे आज इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठते श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। हे श्रेष्ठ कर्मों धन्यवाद। मेरे जीवन में जितनी घटनाएं घटी, जिसके कारण मेरा अभिमान टूटा, मेरे में सहन शक्ति आई, मेरे में औरों के लिए प्यार बढ़ा, औरों का दुख क्या होता है वह महसूसता आई,
कितने रियलाइजेशंस हुए। मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण, हर परिस्थिति के कारण, ऊंचाई निचाई के कारण, उन सभी परिस्थितियों को मैं धन्यवाद देती हूं। आज तक मैं उनको लेकर रोती थी, परंतु आज मुझे उनके प्रति धन्यवाद निकल रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा मस्तक विनम्रता से झुक जाता है। किन परिस्थितियों ने इस परिस्थिति उन परिस्थितियों में जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से हर व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार, वर्तन उन्होंने मुझे गढ़ाया। मैंने कई ठोकरें खाई, कई गलतियां भी की, कितने बार मुझे उस कारण शब्दों से, अपने ही संकल्पों से, स्थूल रीति से भी मार पड़ी, और मैं उस दुख के पीछे चिल्लाती रही। परंतु आज रियलाइज हुआ, उन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण पार्ट मेरे जीवन में रहा। मैं आज जो हूं, धैर्यवान व्यक्ति, हिम्मतवान व्यक्ति, दयावान व्यक्ति, शक्ति स्वरूप व्यक्ति, यह सारे गुण किसी ना किसी रूप से मेरे अंदर उन व्यक्तियों के द्वारा डेवलप हुए। मेरे कर्म के खाते चुकते हुए मैं कितनी हल्की हो गई, तो मैं उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करती हूं। इस तरह से अति संतुष्ट होकर वर्तमान समय के किरदार में, रोल में, पार्ट में प्रवेश करती हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हम संतुष्टता के बारे में सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा लगा आपको योग करते हुए? अच्छा।
बहुत अच्छा लगा दीदी। बेहद के भंडार बाबा ने हमारे लिए खोल के रखे हैं। बाबा खुद भी बेहद के हैं, तो हमारे जीवन में क्या कमी है ना, परंतु हमको इसका अनुभव करते रहना है क्योंकि हम सभी ना जीवन में हमने काफी अनुभव लिए हैं। अगर हम हरेक को देखते हैं तो हमने जीवन के कई साल गुजारे हैं और इस जीवन में वर्तमान जीवन ने भी तो हमको कितना कुछ सिखाया है और करते करते यहाँ पहुंचे और बाबा मिले, है ना। और बाबा का जो ज्ञान है कभी कभी हम सिर्फ जैसे सुनते हैं, लेकिन वो सुनते सुनते अभी हम ऐसा हर वक्त अनुभव करें कि कितना यह सत्य ज्ञान मुझ आत्मा को मिल रहा है। यही तो सत्य है ना, आपको महसूस होता है यही सत्य है कि कैसे हमें तो ये भी नहीं पता था कि मैं आत्मा हूं। सिर्फ बोलते थे ऊपर ऊपर कभी कभी, लेकिन पता भी नहीं था कि क्या चीज है आत्मा, क्या है। तो कैसे हमें यह ज्ञान मिला, समझ मिली, और उसके कारण कितने प्रश्न हल हुए, सभी प्रश्न हल हो गए, है ना। आज हम संतुष्टता की बात कर रहे हैं, है ना। कि जब हम ये शब्द भी देखते हैं ना, संतोष, तो वैसे तो सिर्फ तोष शब्द ही काफी है। तोष माना समाधान, हाँ समाधान, हाँ हमारे जीवन में समाधान चाहिए। कोई भी हमें पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो कहते हैं कि बस सुख शांति समाधान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन यह शब्द कौन सा है, संतोष। हाँ, संतोष माना सर्व प्रकार से हमारा जीवन तृप्त हो, सर्व प्रकार से तृप्ति हमारे जीवन में हमें अनुभव हो, उसको संतोष कहा जाता है, संतुष्टता, है ना। वैसे हम भक्ति में हाँ संतुष्टता यह जो गुण है, इसकी पूजा संतोषी माँ के रूप में होती है। हम छोटे थे तो हमारी जो लौकिक माता थी, लौकिक मम्मी थे, तो वो संतोषी माँ का व्रत रखते थे। और उस व्रत में आपने अगर वह व्रत सुना होगा या किया भी होगा, तो उसमें काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना। व्रत होता, व्रत एक दिन का भी, शुक्रवार का व्रत होता है वो, तो है भी देखो शुक्रवार के दिन। हाँ, शुक्रवार माना शुक्रिया करने का दिन। हाँ, और दूसरा उस व्रत में होता है कि उस माता की, संतोषी माँ की कहानी पढ़नी होती है। हाँ, और फिर उसके बाद चना और गुड़ का प्रसाद खाना होता है, और खाना ही है सभी ने, सभी परिवार वालों ने खाना है, खट्टा नहीं खाना है उस दिन। और अगर खट्टा खाया तो तुरंत संतोषी माँ के आगे जाकर 10 मिनट के लिए माफी मांगनी है, और उस दिन झूठ नहीं बोलना है ना। ये सब नियम हमको बताए थे कि भाई सब कुछ पूजा अर्चना तो मैं करूंगी, हाँ मम्मी हमको कहते थे, लेकिन ये सब नियम तुम्हें सबको फॉलो करने हैं। तो हम सब बाकायदा फॉलो करते थे, है ना। तो आज समझ में आता है कि कितना इस गुण की आराधना की जाती है कि हमारे जीवन में संतुष्टता आए। तो सबसे पहले तो हमें सभी के लिए शुक्रिया करना है। हाँ, जैसे हमारा हर दिन शुक्रवार है, हर दिन शुक्रिया करने का वार है। हर बात में शुक्रिया करो, हर व्यक्ति को शुक्रिया करो, क्योंकि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में अपना अपना रोल रहा है, है ना। हमें होता है कि ना लोग हमसे अगर अच्छे से व्यवहार करें तो हमें अच्छा लगता है ना, हम कहेंगे हमारे जीवन में संतुष्टता है। अगर कोई टेढ़ा व्यक्ति होगा ना, तो हम कहेंगे बस इस व्यक्ति के कारण ना मेरे जीवन में अशांति है, असंतुष्टता है। हाँ, तो हम भी देखें ना भाई ये व्यक्ति हमारे से टेढ़ा क्यों रहता है, हमारे से ही रहता है या सभी से ऐसा रहता है, हाँ, जिसके कारण हमें असंतुष्टता लगती है।
और हम ये भी देखे यहाँ कितनी मजे की बात है कि भाई चलो उसका जैसा स्वभाव है तो वैसा उसका है ही स्वभाव, चलो ठीक है ना, वो तो ठीक हमें नहीं लगता है, लेकिन क्या हम असंतुष्ट रहे, असंतुष्टता ठीक गुण है, अच्छा गुण है, चलो उसका गुण तो नहीं अच्छा, लेकिन मेरे अंदर जो असंतुष्टता का गुण ही है ना, अवगुण है ना, तो वो अवगुण इज ओके हाँ? ये भी हम अपने आप को पूछे, है ना। तो जैसे हमको उसके प्रति कुछ कंप्लेन है, वो भी हमारे लिए कंप्लेन करे ना कि भाई ये लोग ना देखो असंतुष्ट रहते हैं इसलिए मुझे, मैं ऐसा बिहेव करता हूं, ऐसा भी तो वो व्यक्ति बोल सकता है ना। तो हम अपने आप को अपने तरफ से हमेशा अपना गुण प्रदर्शित करें, मेरा गुण क्या है, मुझ आत्मा का गुण क्या है, मुझे तो भगवान मिले हैं, भगवान का इतना ऊंच ज्ञान मिला है, अरे मुझे क्या कमी है आज, हाँ क्या कमी है। तो संतुष्टता मेरा गुण है, वो ही मैं प्रदर्शित करूंगी सभी के लिए, जो जिसका स्वभाव है मैं उनके लिए संतुष्ट हूं, उनके प्रति संतुष्ट हूं, उनको मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है ये ऐसे है ना, जो भी कारण होगा ना, उनका कुछ है ना ओपिनियन होगा मेरे बारे में, या उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी होगी शायद जिसके कारण वो इस तरह से शायद चिड़चिड़े हुए है ना कुछ कारण हुआ है तभी तो उनका स्वभाव ऐसा हुआ है ना, ये तो समझते हैं ना हम, है ना। अगर हमको कोई पूछे भाई तुम्हारा ऐसा क्यों स्वभाव है, तुम क्यों बात बात में गुस्सा करते हो, तो हम कहेंगे भाई बचपन में ऐसे हमारा हुआ था इसलिए मेरा ऐसा स्वभाव बन गया। हमारे लिए तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होता है, हम समझते हैं कि नहीं मुझे लोग समझ ले, पीपल शुड अंडरस्टैंड मी। तो ऐसे ही वो ही रूल हम औरों के प्रति लगाए, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड पीपल कि भाई चलो कुछ कारण हुआ होगा, गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो कुछ कारण हुआ होगा जिसके कारण इनका स्वभाव ऐसे बना, परंतु मैं अपने गुण मेरा गुण क्या है, स्नेह का गुण है, मैं आत्मा समझदार हूं, मैं आत्मा सर्व प्रकार से संतुष्ट हूं, तो मैं इन गुणों का प्रदर्शन करूं, है ना, उनको समझ करके चलू। देखो कैसे मैजिक होता है, कैसे जादू होती है, और वो हमें हमारे साथ जब वो व्यवहार करेंगे तो कैसे उनका व्यवहार धीरे धीरे चेंज होता है ना। अगर नहीं भी हुआ तो भी हमारे जीवन में संतुष्टता रहती है, शांति रहती है, बनी रहती है ना, ऐसा है। कई बार जैसे हमने योग में देखा ना, किसी सिचुएशन को लेकर के ही हम कोसते रहते हैं कि भाई देखो ऐसे हुआ हमारे लाइफ में इसलिए देखो मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाई, या तो मेरी जॉब मुझे मिलनी थी वो मेरे हाथ से चली गई, देखो ऐसी परिस्थिति, बिल्कुल हमारे घर में ऐसी घटना घटी तो फिर मैं जॉब इंटरव्यू नहीं दे पाई, नहीं तो आज मैं कितने ऊंचे पोजीशन पे होती, उसको लेके असंतुष्ट रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, या कोई कारण बना जिसके कारण हमें जो करना था वो हम कर नहीं पाए, उसको उस कंप्लेन को लेकर के असंतुष्ट रहते हैं। हाँ तो कई बार हम अगर देखे ना तो जैसे हमने असंतुष्ट रहने का अपना संस्कार बना के रखा है, ये भी तो संस्कार है ना, संस्कार है। जैसे संतुष्टता जो गुण है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, हाँ ये जैसे आत्मा के अंदर संस्कार है तभी तो हम प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरह से ना ये भी अवगुण के भी हम संस्कार बना के रखते हैं, क्योंकि ये गुण मेरे में है ये हम फुल्ली कन्विंस्ड नहीं होते, फुल्ली कन्विंस्ड नहीं होते, तो इसलिए
हाँ, योग में हमने वो अपने आप को अनुभव कराया, वो अनुभव कराना है ना। कई बार ये कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, तो हम कहते हैं कि भाई हाँ मुझे विश्वास तो है बाबा के ज्ञान पे, लेकिन क्या करे, पूरा कन्विंस नहीं होता है कि हाँ मैं सचमुच शांत स्वरूप आत्मा हूं, लगता तो नहीं है मुझे। कभी कभी अशांति तो बहुत अच्छे से आती है। हाँ, तो पूर्ण रीति से हम अपने आप को भी कन्विंस नहीं करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, भगवान कह रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर हम कहे कि तुम बेवकूफ हो तो हम कहेंगे देखो इसने मेरे को बेवकूफ बोला, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मैं तो कितनी होशियार हूं वगैरह वगैरह। उस व्यक्ति ना वंडर है, वो व्यक्ति कुछ कहता है, कोई व्यक्ति, हम तुरंत कन्विंस हो जाते हैं, कमाल है हमारी, वंडर है हमारा। हाँ, देखो हमने क्या हमारे संस्कार बना के रखे हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, अच्छा आसमान से भी आकाशवाणी नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हैं। हाँ, हम कहेंगे चलो अगर भगवान हमारे सामने आए तो मैं विश्वास रखूंगी ना भगवान के ऊपर, मैं कहाँ बोल रही हूँ कुछ, मैं विश्वास रखूंगी। अरे भगवान आए हैं सामने और बोल रहे हैं, हाँ व्यक्ति के द्वारा, हाँ ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा मुझे बोल रहे हैं ना, है ना, कि हमारे पड़ोसी को बोल रहे हैं, हाँ जो मेरे बाजू में बैठकर मुरली सुन रहा है या सुन रही है उसको बोल रहे हैं क्या, बाबा मुझे बोल रहे हैं, भगवान मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे तुम संतुष्ट मणि हो, बच्चे तुम्हारे लिए मेरे सारे भंडार खुले हैं, तुम पवित्र स्वरूप दिव्य आत्मा हो, है ना, किसके लिए बोल रहे हैं। तो ये हम ना महसूस करें, हाँ अपने आप को महसूस कराए कि चलो योग में बैठ करके ना अपने आप को ये कन्विंस करना है कि दिस इज वॉट आई एम, ये मैं हूं, बस दैट्स इट, है ना। आधा घंटा आप योग करें, 15 मिनट योग करें, 1 मिनट का होता है ना ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट का होता है, तब बस एक गुण को लेकर बैठ जाओ कि मैं ये हूं, मैं संतुष्ट मणि हूं, भगवान का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं ये हूं। बच्चे तुम सदा धनवान रहोगे, ले लो ना वरदान, भगवान के भंडार खुले हैं, ले लो ना जो चाहिए वो। तुम सदा निरोगी रहोगे, ले लो वरदान, है ना। भगवान कहता है मैं भोलेनाथ बनकर के आया हूं तो यूज करो भाई। तो इस तरह से हम हमारे जो प्रीवियस नोशंस हमने बना के रखे है ना, इनफीरियोरिटी के, सुपीरियोरिटी के, हाँ जिसके कारण हमारा ईगो, फॉल्स ईगो डेवलप हुआ है ना, फॉल्स ईगो डेवलप हुआ है। कभी हम अपने को नीचा दिखाते, कभी दूसरे को नीचा दिखाते, हाँ ये क्या हमने संस्कार क्रिएट किया है ना। तो इसको हम दूसरे संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से, ईश्वर जो वरदान दे रहे हैं उन वरदानों से हमको कॉन्शियसली रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक एक संकल्प बना कर करके अपने आप को असंतुष्ट बना के रखा है ना। कभी कभी तो ऐसे होता है कि वैसी हमारी बॉडी केमिस्ट्री भी वैसे बन जाती है, उस तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जैसा विचार वैसे ही बॉडी में हार्मोन्स और केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, तो हम उस बॉडी के स्थिति को यूज्ड टू हो जाते हैं। और जब हम योग करते हैं हमारे बॉडी केमिकल्स, बॉडी हार्मोन्स चेंज होते हैं, है ना, पावरफुल बनते हैं, प्योर बनते हैं, तो वी आर नॉट यूज टू दैट, तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, अगेन वी रिवर्ट बैक टू द सेम बॉडी केमिस्ट्री, फिर वही विचार करते हैं, तो आदत बन जाती है ना। तो अभी हम कॉन्शियसली ये करें कि मुझे, मैं संतुष्ट हूं, और संतुष्टता के लिए एक बहुत अच्छी मेथड है कि हमेशा शुक्रिया करते रहो, हमेशा शुक्रिया करते रहो, थैंक्स,
कि जो कुछ हुआ है, जो व्यक्ति है मेरे लाइफ में आज, जैसा उनका स्वभाव संस्कार है, उसके कारण मैं कितना कुछ सीख रही हूं, कितना कुछ यह सच्चे पुरुषार्थ में लगी हूं। अगर उनका स्वभाव संस्कार बढ़िया होता तो शायद मैं इतना पुरुषार्थ नहीं करती। और अगर हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं, बहुत हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम और तेजी से आगे बढ़े तो भी शुक्रिया उनका। तो किसी भी परिस्थिति में हमें थैंक्स करना है, किसी भी परिस्थिति में, है ना। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, सच्चा एग्जाम्पल है, आपने शायद सुना होगा कि एक व्यक्ति थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, वो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने साइकियाट्री में एमडी किया। लेकिन वो जो भाई थे, वो जैसे पढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल झड़ते जा रहे थे। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो मोस्टली सभी बाल उनके झड़ गए थे, और यंग थे भाई, जस्ट ग्रेजुएट हुए, तो आप समझ सकते हो ना, जैसे 27 के वगैरह होंगे मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुए। तो उनको थोड़ी वो परेशानी, थोड़ा कभी कभी बॉदर करता था। तो उन्होंने प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, एक कोने में अपना क्लिनिक खोला। और उन्हें तो पता था कि भाई प्रैक्टिस जमने में बहुत टाइम लगता है, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कितने डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत अच्छी फ्लरिश हुई होती है ना, पेशेंट्स उनके ही पास जाते। लेकिन उन्होंने देखा कि डे वन से उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे फुल हो गया रूम ना, उनको खाने पीने के लिए टाइम नहीं था। उन्होंने उनको वंडर लगा कि भाई ये क्या है। तो उनको लगा चलो ये पहला ही दिन है ना, क्लिनिक खोला है, चलो कल शायद देखते हैं क्या होता है। कल फिर उनका क्लिनिक भर गया पेशेंट से, फिर ऐसे हफ्ते हफ्ते जा रहे थे और उनकी प्रैक्टिस डे वन से फ्लरिश हो गई थी। तो फिर उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ये क्या। तो उन्होंने ऐसे ही किसी से, कोई पेशेंट से थोड़ा क्लोज रिश्ता हो गया उनका, क्लोज रिलेशन हो गया, तो उनको पूछा भाई आपको क्या लगता है कि आप क्यों आए, मेरे पास क्यों आए सबसे पहले। तो कहता है कि डॉक्टर साहब आप ही तो इस मोहल्ले में आप ही तो सबसे सीनियर डॉक्टर हो, तो हमको तो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए था तो हम आपके पास आए। तो देखो, है ना, उनको लगता था कि भाई मेरे बाल नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, और देखो लोग उनको सीनियर समझने लगे, है ना। तो कौन सी बात ना, कौन सी बात किस रीति से हमारे फेवर में होगी हमको पता नहीं, है ना। तो इसलिए हमेशा कोई भी परिस्थिति हो ना, थैंक्स, थैंक्स का जैसे मंत्र, माला जपनी चाहिए रोज। तो रोज याद रखो कि रोज का दिन कौन सा है, शुक्रियावार, शुक्रियावार रोज का दिन है, शुक्रियावार, समझा। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो कुछ बाबा मुझ आत्मा के लिए कह रहे हैं वो सत्य है। अपने आप को बिल्कुल कह दो, जैसे ये एक तपस्या अपने आप के लिए ले लो। योग में बैठते हो ना, कभी कमेंट्री, जैसे आज हमने कमेंट्री द्वारा योग किया, कभी आप साइलेंस में योग करते होंगे, तो जो कुछ ज्ञान के वर्जन्स, ज्ञान के महावाक्य बोले जा रहे हैं, या आप ज्ञान के संकल्प क्रिएट करते हो अपने साइलेंस में, उसको बिल्कुल सत्य मानकर चलो। भगवान मेरा साथी है, ये हमने गीत सुना, भक्ति में भी हम गीत सुनते हैं, लेकिन अभी आप गीत सुनो ना तो बिल्कुल समझो कि हाँ है, और अधिकार से बाबा को बोलो कि बाबा आओ, अभी मुझे साथ चाहिए, आओ, आप मेरे साथ हो, फुल स्टॉप, बस, है ना। तो बिल्कुल कन्विंस होकर के जो भी स्वमान बाबा हमें देते हैं ना, जो भी ज्ञान उच्चारण करते हैं, सत्य है। बाबा ने कहा है तुम्हारे भंडारे में
कभी कोई कमी नहीं होगी, है ना? ज्ञान का वाक्य सुना है आप में से कई सारे ना, अभी कुछ टाइम ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, हाँ क्लासेस सुन रहे हैं, कितने लकी है हाँ आप। तो बाबा ने बोला है ना कि तुम्हारे भंडारे में कभी कोई कमी नहीं होगी, तो बस यह वरदान हमको ले लेना है कि मेरे भंडारे किसी भी जीवन में कम नहीं होंगे। आई विल ऑलवेज बी फुल, फुल विथ ऑल ट्रेजर्स, फुल विथ एवरीथिंग, बस कन्विंस्ड। हाँ वो वरदान ले लो कि हाँ बाबा मैं अपने हर जन्म में भरपूर आत्मा रहूंगी। आपने ही बोला है मुझे कि मेरे जीवन में, किसी भी जीवन में कोई कमी नहीं होगी, ले लो वरदान, ठीक है ना? तो ऐसे हमको पूरा कन्विंस होकर के, हाँ जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमारे जो पास्ट के अनुभव ना, जो संस्कार के रूप में छपे हुए हैं, जिनको हाँ जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं ना, ऐसे कितने होंगे इसी जीवन में। देखो कई सारी बातें ना हमको अभी तक उसका आंसर नहीं मिला कि उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, ऐसा वो क्यों हमारे अंदर अभी भी अटका है ना? किसी किसी के अंदर, मोस्टली सबके अंदर कुछ ना कुछ क्यों अटका होता है। हाँ ये मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना? अगर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी ही परिस्थिति दुनिया में चलती रही तो मेरा कैसे होगा, है ना? ये क्यों, क्या, कैसा, इसमें ना हम कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं अंदर। तो जब हम बाबा के महावाक्य, उस वैद्यनाथ की दवाई, ज्ञान क्या है, शिव परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं ना, एक नाम उनका वैद्यनाथ है, एक स्वरूप वैद्यनाथ का है, तो वो दवाई दे रहे हैं मुझ आत्मा को, है ना? तो ये जो ज्ञान की दवाई है, ये जो सत्यता का अनुभव, वरदानों की शक्ति मैं अंदर लू ना अपने अंदर, तो ये सारे क्यों, क्या, कैसे का वायरस जो है ना, जो जाता ही नहीं है, क्योंकि वायरस की दवाई नहीं होती है, तो ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। ये जो कई कई बार वो ट्रॉमा होता है अंदर, इस जीवन का ट्रॉमा होता है, किसी और जीवन का ट्रॉमा होगा, कितने जन्म हुए, अभी इस जन्म की हमारी इतनी कहानियां होती है, हर जन्म की कितनी कहानियां होगी आप सोचो, तो वो सारा रिजॉल्व हो जाता है। हमको एक 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 करके, एक 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 कर्म का खाता चुकतू करो, एक एक का, एक एक व्यक्ति से मिलो, उसके साथ कर्म की लेन देन करो, पूरा करो खाता। इतना लंबा राउट नहीं चाहिए ना, अभी आजकल शॉर्टकट चलता है ना, फास्ट, आजकल सब कुछ हमको फास्ट चाहिए। तो परमात्मा का जो ये ज्ञान है ना, ज्ञान योग शक्ति धारणा सेवा हम करते हैं, है ना? तो ये है शॉर्टेस्ट राउट टू बिकम प्योर, टू अटेन पीस, टू बिकम कंटेंट, समाधानी, संतुष्ट। जन्म जन्म बाय जन्म, एक ही जन्म की बात नहीं, अभी इस परिस्थिति से हमको शांति नहीं चाहिए, है ना? इस जीवन में सिर्फ सुख नहीं चाहिए, हमको हर जीवन में चाहिए। तो ये है सबसे सरल और इजी मार्ग, सबसे शॉर्ट राउट है ये, परमात्मा हम जो हमको जो बताते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो लाइफ कैसी रहती है, शांति वाली रहती है, हम भी शांत रहे और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहे। और आपको कई उनको अभी ना अनुभव हुआ होगा, जैसे हरेक को, हरेक बाबा के बच्चे को ये बच्चे का ये अनुभव है, हरेक का। मैं जिनको जिनको मैं जिनसे जिनसे मैं मिली हूँ, बात किया है मैंने,
कि हम कुछ संकल्प करते हैं कि मुझे ना ये अगर होगा तो अच्छा होगा, ना मुझे ये किसी चीज की जरूरत है, समझो ऐसे बस स्लाइट संकल्प भी आया तो वो पूरा हो जाता है। आप में से है अनुभव, जरूर अनुभव होगा आपको। और ऐसा पूरा होता है ना, जैसे लगता है कि विश्वास नहीं बैठता है, है ना। तो इसलिए हमेशा यह आप बिल्कुल निश्चिंत रहना है हम सभी ने कि जो भी हमारा संकल्प है वो किसी को बताने से पहले या किसी को हम इच्छा प्रदर्शित करें उसके पहले पूर्ण होता है। तभी के तभी चलो नहीं भी पूर्ण हुआ, अपने राइट समय पे जरूर पूर्ण होगा, है ना। और ऐसे पूर्ण होगा जो हमको हमको कहना पड़ेगा बस अभी मुझे और नहीं चाहिए, बस मैं तृप्त हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, इतना इतने हद तक पूर्ण होता है संकल्प। तो इस तरह से, क्योंकि इच्छाएं जब हमें होती है ना तो वो इच्छाएं हमको संतुष्ट बैठने नहीं देती है ना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, फिर ये इच्छा पूरी हुई दूसरी चाहिए, दूसरी इच्छा पूरी हुई तीसरी चाहिए, है ना। आपने अनुभव किया होगा ना लाइफ में, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। कभी लगता है चलो ये सिचुएशन हो गई तो चलो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, तो फिर कुछ दूसरा आता है हमारे सामने ना, दूसरी परिस्थिति आएगी या दूसरी इच्छा आएगी, कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे आदि शंकराचार्य का श्लोक हमने बचपन में पढ़ा था कि इच्छा पर है ये श्लोक, कि कैसे मनुष्य की इच्छा जाती नहीं है। आप में से भी कईयों को ये श्लोक पता होगा, आदि शंकराचार्य का है। श्लोक इस तरह से है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। समझ में आया अंगम गलितम, सारा शरीर बहुत जैसे जर्जर हो गया है, एक एक शरीर का अंग जैसे निर्बल हो गया है, माथे पे बाल नहीं रहे, दांत भी गिर गए, हाथ में लकड़ी पकड़कर चलने का भी समय आया, वृद्धत्व आया, परंतु आशा इच्छा मनुष्य की जाती नहीं है, इच्छाएं नहीं जाती है। तो ये है कहानी मनुष्य जीवन की, है ना, कलयुगी मनुष्य जीवन की। परंतु हम कहाँ है, हम अभी कलयुग में है नहीं, हम आ गए कलयुग से बाहर, निकल गए, संगम पर है हम, संगम पर है। हमेशा याद रखना है ज्ञान, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद करो याद करो याद करो, क्या याद करो ना, बिंदु बाबा बिंदु रूप है ये कितना याद करेंगे। ये सब बातें हमको याद रखनी है कि मैं हूं संगम युग पर, डायरेक्ट भगवान का हाथ मेरे हाथ में है, तो मेरे को क्या कमी है। डायरेक्ट भगवान का हाथ हाथ में, आप महसूस करते हो, महसूस करो कि भगवान का हाथ मैंने पकड़ा है, समझा। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है तो भगवान छोड़ सकता है, लेकिन मैंने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है, भगवान मेरे मुट्ठी में है। तो ना, तो इस तरह से हम जब अपना जीवन चलाते हैं ना, तो हमारे जो पुराने संस्कार है वो सब मिटते जाते हैं और ये नए संस्कार क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे तो हम ज्ञान की तो बहुत बातें कर सकते हैं। आप भी इतने चात्रक है, इतने जिज्ञासु है कि बहुत मजा आता है आपसे बात करने के लिए। सभी याद करते हैं आपको, इनको इनके साथ हमको, आप बोलते भी ऐसा है बस सुनते जाए। हाँ, सच बात है, आपका ज्ञान है सिस्टर।
आत्मा का ना, आत्मा को बड़ा ये लगता है सुकून लगता है ना, बाबा का ज्ञान है। आज तो जीवन के बारे में बहुत बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, एक सेकंड चेंज करके, सॉरी। ओके ओके, अभी सब आ गए मेरे सामने। अच्छा, बहुत अच्छा सभी। कईयों को मैं जानती हूँ। ओम शांति। ओम शांति सुकन्या बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न उत्तर करें, एक या दो प्रश्न, या तो फिर हम योग करके इसकी समाप्ति करते हैं। सिस्टर, कोई हमसे असंतुष्ट हो तो क्या करना चाहिए, क्या तभी विचार संकल्प करना है उनके लिए? कोई असंतुष्ट है तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो प्रवीण। हम संतुष्ट रह सकते हैं। हाँ तो रहेंगे, लेकिन उनको कैसे करना है? हाँ, क्योंकि उनका संस्कार है ना, हम ये समझे, जब हमको ये ज्ञान मिला है तो हम प्रोसेस कर सकते हैं ना, ठीक से हमको प्रोसेसिंग पावर आती है कि हम ये देखें कि अच्छा, इनका असंतुष्ट रहने का संस्कार है कि कुछ मेरे से ये छोटी, हाँ, कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। सिर्फ मेरे से ही नहीं, हर एक से असंतुष्ट रहते हैं किसी ना किसी बात से, तो वो उनका संस्कार है ना। जैसे हमारा, हमारे भी तो कई संस्कार है, जो वो भी चाहते हैं हमारे संस्कार चेंज हो, वो भी तो चाहते हैं, है ना। तो ऐसे हम चाहते हैं कि रादर हम देखते हैं कि वो असंतुष्ट रहते हैं, वो हमारा देखने का भी नजरिया है। लेकिन अगर हम देखें कि नहीं, ये ना परफेक्शन चाहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति होते हैं ना जो जिनको परफेक्शन की आदत होती है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो, तो हम ये देखें कि भाई हाँ ये आदत तो अच्छी है ना। अगर हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं है मान लो, या हम थोड़े ढीले ढाले चलते हैं, कोई भी चीज कहाँ भी रख दी वगैरह वगैरह, है ना, तो वो फिर हमको बोलते हैं। तो हम थोड़ा सोचे हाँ कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में यह कह रहे हो मान लो, अगर तो वो देखो कि वो किस कारण से असंतुष्ट रहते हैं। उनका असंतुष्ट रहने का कारण ना कुछ बहुत वैलिड होता है, तो वो हम अपने अंदर थोड़ा बहुत तो क्रिएट करें कि चलो अभी मैं 100% तो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती हूं मान लो, लेकिन 98% तो मैं ऑर्गेनाइज रहूं ना, कुछ तो गुण मैं अपनाऊं ना, ऐसे। तो वो भी देखे। हमेशा हम दूसरों के लिए बोलते हैं, लेकिन थोड़ा उनके एंगल से सोचे कि मैं अपने अंदर कौन सा गुण डेवलप कर सकती हूं, है ना। इन व्हाट एस्पेक्ट एम आई नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन। उनका भी तो अपना नजरिया ठीक है ना, उनके रीति से तो ठीक है ना, तो वो हम समझे। और कभी अगर आपका रिश्ता अगर अच्छा है उनसे, हाँ, तो आप ये भी बात कर सकते हो कि आप मुझे बताओ कि ये मैं कैसे डेवलप करूं, स्टेप बाय स्टेप अपने को डेवलप करो। अच्छा है ना, अगर हम उस व्यक्ति के साथ रहते हैं तो एक दो को इस तरह से सहयोग देंगे, तो आप भी कल कह सकते हो भाई देखो मैं आपके लिए इतना चेंज हुई, तो फिर ये थोड़ा चेंज ना मेरे लिए आप भी लाओ लाओ, तो वो लाएंगे क्योंकि आप अधिकार से बोल सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं चेंज करोगे तो वो भी आपके रीति से चेंज नहीं होंगे, तो फिर क्या, हाँ, दोनों ऐसे खींच के अगर बैठे तो फिर रस्सी टूटेगी ना कभी तो। लेकिन बाबा तो बोलते हैं ना कि मूल्य में, साकार मूल्य में, कि झुकना है और हमें ही झुकना है, हमें ही झुकना है। झुकना मना ज्ञान से झुकना, हाँ, झुकना है माना हमको ज्ञान की समझ हमें है ना, तो वो ज्ञान को समझ करके हमको चलना है, उसको झुकना कहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि कई परिस्थितियों में अगर आप चुप रहो ना तो भी नो प्रॉब्लम,
कई परिस्थितियों में कभी कभी हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देना पड़ता है, शांति से, प्यार से, नम्रता से। तो पहले हम वो गुण अपने में डेवलप करें कि मेरा टोन कैसा है, मेरे अंदर सचमुच उनके लिए प्यार है ना। तो अगर मेरे अंदर नहीं है प्यार तो मेरी भी गलती है ना, फिर उन्होंने गलती की या उन्होंने कुछ मुझे बोला तो ठीक है, आई शुडंट कंप्लेन। तो ये ऐसी इस तरह से समझ है। जब हम इस तरह से चलते हैं ना, ज्ञान को आप प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट करते रहो ना, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है ना। डायरेक्ट ट्रांसलेट करते रहो इस सिचुएशन में, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ज्ञान को यूज करने की, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है इस तरह से, है ना। तो बाबा जो ये ज्ञान देते हैं ना, उससे बहुत समझ आती है ना। हम कैसे सामने वाले को समझे, हम कैसे अपने आप को समझे, कैसे इस सिचुएशन को हम समझे, ये आता है हमें, सेंस डेवलप होता है हमारा, है ना। उससे फिर इजी होता है, करते करते तो इजी होगा ना। हाँ, आप करते रहो तो कौन सी बात डिफिकल्ट रही आज तक, सब कुछ आ गया ना आपको आज तक। ऐसे ही ये भी आ जाता है, ये बात है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं देख रही हूँ टाइम, तो हाँ, 3 मिनट है, हम योग से, शांति से इस सत्र की समाप्ति करते हैं, ठीक है। ओम शांति। तो हम फिर से साइलेंस में बैठे, बाबा का शुक्रिया करें। कि हमारे जीवन में ज्ञान योग की शक्ति से, बाबा के संग से कितनी सुख, शांति, समृद्धि है। बहुत समाधान है, मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। अभी विजुअलाइज करो बाबा मेरे मस्तक पर हाथ रखे, डायरेक्ट वरदान दे रहे हैं बच्चे, तुम सदा निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा। इसी वरदान को ग्रहण करते हुए अपने दिल में समाते हुए इस चित्र को सदा अपने बुद्धि में रखे हुए मैं आत्मा संतुष्ट मणि बन जाती हूं। ओम शांति, शांति, शांति।
इसी साइलेंस में रहे। और इसी साइलेंस में इसी वरदान को लेकर अभी हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए जो हम भी सुखी हो और हमारे साथ वाले सभी सुख का अनुभव करें। ओम